जय हिंद दोस्तों। दोस्तों चाइना, असलियत में चाइना आज के दिन जिस तरीके से उभरती हुई शक्ति है, उभरती हुई पावर है, और ऐसी सिचुएशन में उभरती हुई पावर की वजह से जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का आउटकम ये है कि लगभग अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के अंदर तालिबान को लेकर जो भी चेंजेस आए हैं उसका एनालिसिस करना चाहिए, ताकि नया वर्ल्ड ऑर्डर समझें। और अमेरिका को चाइना ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि जिसमें खुली धमकी है, और ये स्टेटमेंट का एनालिसिस आज हम करेंगे और बिल्कुल एक स्कॉलरिस्टिक अप्रोच की फॉर्म में समझेंगे कि असलियत में इसके मायने क्या हैं। चाइना ने अमेरिका को खुले शब्दों में कहा है कि चाइना मुझे, या अमेरिका चाइना को सोवियत संघ ना समझे। ये एक बहुत ही डीप लेवल का एक स्टेटमेंट है, जो कि खुले तौर पर अमेरिका के लिए एक धमकी है, एक चेतावनी है। अब इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि असलियत में इस धमकी के मायने क्या हैं, और अगर आप एक फॉरेन सर्विसेज में बैठे ऑफिसर हैं या एक मेंस में आंसर राइटिंग करते हुए एक स्टूडेंट हैं, तो खासकर एक आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर हैं, तो आप इस मामले को कैसे समझेंगे। अगर आप होम मिनिस्ट्री में हैं तो इस मामले को कैसे समझेंगे, और सारी डायमेंशंस को किस तरीके से देखा जाएगा, और जो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उसको कैसे समझेंगे, इसके ऊपर पूरा एनालिसिस है। उससे पहले, जो भी हम एनालिसिस करेंगे उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप या आपके छोटे भाई बहन या कोई भी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, या अस्टवाइज आगे भी कभी करने की इच्छा रखते हैं, या कई बार क्या होता है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात होती है, तो हमारा 9th, 10th, 11th, 12th और यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बहुत सारे स्टूडेंट्स, हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले और ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को तो स्टार्टिंग ही कहीं ना कहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन के हायर लेवल से करनी चाहिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा 13 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से नया बैच शुरू हो रहा है। आप उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं, हमें आपका सिर्फ दिन का एक घंटा चाहिए। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी करवाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी बेसिक करवाएंगे, और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की अप्रोच डेवलप की जाए, बच्चे के अंदर वो सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाए, एक लेवल ऐसा विकसित किया जाए ताकि उसे आगे चलकर इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो, और जब भी वो इंटरेस्ट क्रिएट हो न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में इंटरेस्ट क्रिएट हो, और जब वो आगे चलकर बढ़े या एक लेवल, सर्टेन लेवल को अटेन करे, तो या जैसे ग्रेजुएशन करने जाए तो उसका बेस कम से कम एनसीईआरटी वाला मजबूत हो। तो आपको ये बेसिक एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, इसमें जो भी स्टूडेंट एनरोल करवाना चाहे करवा सकता है। 13 सितंबर से हम नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसकी जो बेसिक फीस है वो 500 रुपीज़ पर मंथ हमने रखी है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को फाइनेंशियल बर्डन ना लगे, और बच्चे खेलते कूदते हुए एक घंटा हमारी क्लास में आए, हमारी स्टोरी सुने, और वैसी अप्रोच अपने आप डेवलप हो और बच्चा आगे पढ़े। बाकी हमारा हायर लेवल कोर्स को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, हमारा इंडियन पॉलिटी का हमने बैच स्टार्ट किया है। आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये जो यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस की आप तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो दोस्तों आप इस बैच के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत इसके अंदर कंप्लीट करवाई जाएगी पीटी पर्सपेक्टिव से। इसकी भी हमने फीस बहुत कम यानी 500 रुपीज पर मंथ रखी है। जितनी जल्दी हो सके आप इसमें एनरोल करवाइए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक यह है कि चाइना ने अमेरिका को धमकी दी है। अब सवाल यह है कि अगर हम असलियत में जो स्टेटमेंट का रेफरेंस मैं ले रहा हूं, उस रेफरेंस को बीबीसी न्यूज हिंदी ने छापा है कि चाइना ने आखिर अमेरिका से क्यों कहा कि वो सोवियत संघ नहीं है। अगर आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे और इसी न्यूज के रेफरेंस को देखेंगे, देन आई कैन गारंटी वो अप्रोच डेवलप नहीं होगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप सोचकर देखिए, आपके सामने एक न्यूज आई बीबीसी न्यूज की कि चाइना ने ऐसा कहा कि अमेरिका हमें सोवियत संघ ना समझे। अब क्योंकि ये बीबीसी न्यूज है, इंटरनेशनली रिनॉन्ड न्यूज चैनल है,
कोई हमारा लोकल न्यूज चैनल नहीं है जिसकी चिंता गाड़ी पलटने के बाद 5 लोगों के घायल होने और 2 भैंसों के मरने की है या फिर 2 लोगों के मरने की है। मानता हूं वो चिंता की बात है, लेकिन वो क्या इंटरनेशनल लेवल पर एक जो इंसान सोच रहा है उसके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है? असलियत में कुत्ते को ढूंढना, बकरी को ढूंढना, इस तरीके के न्यूज़पेपर्स की अगर ये खबर हो तो शायद हम इसे मान लें कि ये किसी काम की खबर नहीं है, लेकिन एक इंटरनेशनली रिनॉन्ड जो न्यूज़पेपर है अगर वो इस तरीके की खबर छाप रहा है कि चाइना ने आखिर अमेरिका से क्यों कहा कि सोवियत संघ नहीं है, यानी वो सोवियत संघ नहीं है, इसका अगर एनालिसिस मैं एक स्कॉलरिस्टिक अप्रोच या एक यूपीएससी के स्टूडेंट के तौर पर करना चाहूं तो मैं सीधे सीधे तौर पर यही सोचूंगा कि आज का सिनारियो क्या है। यहां सीधे सीधे तौर पर समझना है कि व्हाट इज टुडेज सिनारियो। यहां 2 चीजें हैं कि चाइना ने जिस सोवियत यूनियन का रेफरेंस लिया है वो सोवियत यूनियन असलियत में है क्या, वो सोवियत यूनियन या सोवियत संघ असलियत में है क्या या था क्या। और मजे की बात यह है जब आप ये कहेंगे तो आपको हिस्ट्री का और खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक स्टूडेंट, और यही कारण है ऐसे एक स्टेटमेंट से आपको एग्जाम्पल मिलेगा, एक स्टेटमेंट से आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि क्या कारण है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है या एक पर्टिकुलर कंट्री के विदेश मंत्री जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं और खासकर राजदूत बयान दे रहे हैं और वो इंटरनेशनल मीडिया ने खबर छापी है तो ये सोवियत संघ क्या है और असलियत में इसके साथ हुआ क्या था। यही कारण है यूपीएससी के स्टूडेंट को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप समझ लीजिए इतिहास के ज्ञान के बगैर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, इतिहास के ज्ञान के बिना आप भविष्य का निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गारंटी है। ऐसी ऐसी, और क्योंकि असलियत में शिक्षा, असलियत में जो इंसान शिक्षा लेता है वो इतिहास से ही तो लेता है। इंसान के लाइफ टाइम में हम उसे अनुभव यानी एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी उसने अपनी पिछली जिंदगी में जो सीखा उसी के दम पे वो आज डिसीजन ले रहा है और आगे वाले भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है। ऐसे ही सोसाइटी होती है, सोसाइटी भी अपने इतिहास से ज्ञान लेती है कि भाई हम गुलाम क्यों हुए या हम पीछे क्यों रह गए, और उसी के अकॉर्डिंग आज के दिन अपनी कमियों को पूरा करती है और आगे बढ़ती है, आगे के डिसीजंस लेती है। यही रीजन है कि आज के दिन एनालिसिस करना और सिचुएशंस को समझने में भी इतिहास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लान्स और पॉलिसीज के मामले में भी और हर जगह पर। अब है क्या यह समझिए कि सोवियत यूनियन का जिक्र है और उसके बाद यह देखा जाएगा कि वाई चाइनीज एम्बेसडर एंड चाइनीज ऑफिशियल सेड सो, चाइना के अधिकारी ने ऐसा क्यों कहा। अब आप एक आईएफएस ऑफिसर की तरह सोचिए जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, फॉरेन ऑफिस में बैठा हुआ है, होम मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है और उसके सर के ऊपर हिंदुस्तान के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में उसे पता है कि अफगानिस्तान में इस टाइम पर बहुत जबरदस्त उठापटक चल रही। आप इमेजिन कीजिए अपने आप को एक ऐसे ऑफिसर के बारे में, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ना कि चाइना ने ऐसा क्यों कहा, और दूसरा आपको उससे भी पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि यह सोवियत यूनियन क्या था और चाइना ने इसका जिक्र क्यों किया, यानी इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो चाइना आज के दिन रेफरेंस ले रहा है और अमेरिका को धमकी दे रहा है। दूसरा आपको यह देखना है कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और तीसरा आज का सिनेरियो क्या चल रहा है जिस वजह से चाइना और अमेरिका भिड़े हुए हैं, और चौथा अगर इसमें अफगानिस्तान का कोई रोल है तो अमेरिका को अगर धमकी दी है तो सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान से क्या लेना देना है,
और उसके बाद आपको सोवियत यूनियन और अमेरिका की दुश्मनी और उससे रिलेटेड कोल्ड वॉर के बारे में अंदाजा होना चाहिए, और कोल्ड वॉर के बाद आउटकम ऑफ कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का क्या हुआ था उसके बारे में पता होना चाहिए। जब आप इन सब चीजों को देख लेंगे बारीकियों से, और उसके बाद आज के दिन अमेरिका और चाइना की जो रस्साकशी चल रही है उसको देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बयान का मतलब समझ में आ जाएगा। जब आप इस बयान का मतलब समझ लेंगे, जब आप इस बयान का मतलब समझ लेंगे, तो क्योंकि आप एक आईएफएस ऑफिसर हैं, फॉरेन सर्विसेज के अंदर हैं, और फॉरेन सर्विसेज के अंदर आपको भारत के भविष्य के बारे में निर्धारित करना है, तो भारत के भविष्य का डिसीजन इस समय पर दो जो टाइकून्स लड़ रहे हैं, पुराने सोवियत यूनियन के टाइम पर, सोवियत यूनियन और अमेरिका के टाइम पर जो कोल्ड वॉर चला उस टाइम पर इंडिया कहां खड़ा था, आपको उसका पता होना चाहिए। और इस टाइम पर जब अमेरिका और चाइना जैसे दो टाइकून्स लड़ रहे हैं, दो सुपर पावर्स लड़ रहे हैं, तो इंडिया का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए, किन हालात में सुरक्षित किया जाए, ये समझना पड़ेगा, वो भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि तालिबान पार्ट वन जब आया था तब हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर पड़ा था, कश्मीर के अंदर क्या क्या खेल खेला गया था, और तालिबान पार्ट टू किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, और इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को देखकर हर चीज के मामले में जो भी यहां चारों तरफ चल रहा है, एक सूचनाओं का, एक इंफॉर्मेशन का अंबार आपके सामने खड़ा हुआ है, और एक जेन्युइन यूपीएससी स्टूडेंट या फिर जेन्युइन भारत के नीति नियंता के सामने के तौर पर जब आप देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन तो है लेकिन एनालिसिस करने की पावर नहीं है, आप उस दुकान में तो बैठे हैं एक जहां पर किताबों का अंबार है लेकिन आपको उन किताबों को पढ़ना नहीं आता, इसलिए आप एक किताब बेचने वाले तो बन सकते हैं, आप कहीं ना कहीं उस किताब के बाद एक विद्वान नहीं बन सकते। किताब की दुकान में बैठा हुआ इंसान दुकानदार तो है लेकिन जब तक उन किताबों को पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, और जब तक वो क्षमता नहीं होगी उन सूचनाओं को एनालिसिस करने की, तब तक आपके पास, आप दुकान के अंदर किताबें बेच तो सकते हैं लेकिन उसके ज्ञानी या विद्वान नहीं बन सकते। भाई लाइब्रेरी में बैठा हुआ लाइब्रेरियन है, क्या वो विद्वान है? उसे लाइब्रेरी में रखी हुई हर किताब के बारे में तो पता है लेकिन उसने उन किताबों को क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, विद्वान कहलाएगा, लेकिन पढ़ा नहीं है तो उन किताबों के ज्ञान के बारे में उसे मतलब नहीं है, और पढ़ी रहेंगी वो किताबें, और उसके बाद वही होगा कि वो लाइब्रेरियन तो है लेकिन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विद्वान नहीं है। यहां पर विद्वान से भी बड़ा काम इंपॉर्टेंट यह है कि असलियत में इन परिस्थितियों को समझना। विद्वान से भी आगे एक होता है प्रशासक। विद्वान वो है जो खड़ा होकर क्या सही है क्या गलत है और सब चीजों के बारे में बता देगा कि ये सही है ये गलत, वो विद्वान। लेकिन प्रशासक कौन है? हु इज एन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हु हैव टू टेक डिसीजंस। क्योंकि कभी भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर यहां पर परफेक्ट डिसीजंस नहीं ले सकता, उसे हमेशा कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज परफेक्ट है वो ग्राउंड लेवल पर वर्स्ट प्रूव होती है कई बार, और कई बार जो चीज वर्स्ट है वो ग्राउंड लेवल पर बेस्ट प्रूव होती है। ऐसे में आपको डिसीजंस लेना और इंटरनेशनल लेवल पर भारत के भविष्य को सुरक्षित रखना और इन शब्दों को पहचानना कि चाइना और अमेरिका की कहानी कहां जा रही है उसे देखना, और चाइना इस एरिया में क्या खेल खेल रहा है, अमेरिका इस एरिया में क्या खेल खेल रहा है, उसको एनालिसिस करके इंडिया के भविष्य को सुरक्षित रखना।
जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप कभी भी यूपीएससी के बारे में सोच नहीं सकते। आप केवल और केवल न्यूज सुन के इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी गैदर करेंगे, लेकिन किसी काम की नहीं है वो इंफॉर्मेशन। यहां आपको सोचना, समझना, आउटकम लाना जरूरी है। यू हैव टू टेक डिसीजंस। आपको डिसीजन लेना है। हो सकता है अभी आप हारते हुए नजर आए, लेकिन हारते हुए भले ही नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो गेम चल रही है उस गेम में बने रहना। जब आप इस लेवल पर सोचने लग जाएंगे तो आपके आंसर, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके आंसर के अंदर एक ग्रेस आना शुरू होगा। यूपीएससी आपको खुलकर नंबर देता है। ये अप्रोच डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच ही लोगों के अंदर डेवलप नहीं हो पाती। उनको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो ही सब कुछ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए वो पत्रकार तो बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसका आउटकम क्या होगा? भाई पत्रकार का काम क्या है? एनालिसिस करने की वो कैपेसिटी नहीं होती जो एक होनी चाहिए नए नए पत्रकार में। वो क्या है, उसके सामने एक पेज रखा हुआ है और उन्होंने इस पेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के सुना दिया, या फिर वो टीपी समथिंग कुछ सामने रखा हुआ होता है और एक आधे जो पत्रकार हैं मोहतरमा जो हैं वो आपको सामने कहती हुई नजर आती है, टीपी दिखाओ, क्योंकि अगर लिखा हुआ नजर नहीं आया तो हमें समझ में नहीं आएगा हमें क्या बोलना है, क्योंकि हमें बोल के सामने देख के ही तो बोलना है। अगर वो लिखा हुआ नहीं आया तो हम बोलेंगे कैसे? तो वो पत्रकार हैं, उनका काम, और वो पत्रकार से भी कहीं ज्यादा एंकर हैं। लेकिन यूपीएससी के स्टूडेंट को एंकरिंग से ज्यादा, एंकर की इंफॉर्मेशन से ज्यादा उसके एनालिसिस की तरफ ध्यान देना है कि दुनिया कहां जा रही है और भारत कहां खड़ा है। अब सोचते हैं कि इस पूरे के पूरे पार्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है। सबसे पहले जिक्र आया सोवियत यूनियन का, तो असलियत में दोस्तों सोवियत यूनियन क्या था इसे समझ लीजिए दो शब्दों के अंदर। वैसे तो अगर इसमें गहराई पर जाने की शुरुआत करी तो यकीन मानिए पूरा का पूरा दिन और शायद कई घंटे निकल जाएं सिर्फ इस चीज में डिस्कस करने में। सोवियत यूनियन बना कैसे, वो उसके अंदर उसने काम कैसे किया, कम्युनिस्ट विचारधारा क्या थी, सोशलिज्म क्या था, कार्ल मार्क्स क्या था, बना कैसे, कोल्ड वॉर क्या था, टूटा क्या, और सब चीजें लंबी चौड़ी चलेंगी। मैं उस चीज में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं दो शब्दों में कि असलियत में इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया पहली बार ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी बट गई थी। वर्ल्ड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, वर्ल्ड जो थी वो डिवाइड हो गया किस वजह से, कि आइडियोलॉजी के बेस पर, विचारधारा के बेस पर। एक कह रहा था कि हमें चाहिए कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, और ये कैपिटलिज्म बात करता है फ्रीडम की, के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू वोट, फ्रीडम टू एवरीथिंग, जिसका जो मन करे वो करो, बाकी चीजें देखी जाएंगी, जो जितना कमा सकता है कमाओ, फ्री ट्रेड करो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम से कम होंगी, हर चीज फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरी आइडियोलॉजी कहती है कि कैपिटलिज्म की जगह सोशलिज्म, सोशलिज्म जो है वो हमेशा बात करेगा इक्वालिटी की। वो ये कहता है कि इस दुनिया के अंदर आम आदमी यानी हर आदमी के अंदर दिमाग एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसलिए जो कुछ लोग जिनके पास दिमाग ज़्यादा है, जो चालाक हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज को धीरे धीरे अपने पास खींच लेते हैं पूरी ताकत के साथ। और वो कहने को तो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो डिस्पैरिटी क्रिएट करते हैं। एक के पास सब कुछ होता है जिसे हैव्स कहा जाता है, दूसरे के पास कुछ नहीं होता जिसे हैव नॉट्स कहा जाएगा। इसलिए इस हैव्स से लेकर सामान हैव नॉट्स को दे दो ताकि हैव और हैव नॉट्स बराबर हो जाएं। समझे?
इसे कहा गया सोशलिज्म, जो इक्वालिटी की बात करता है और वो ये कहता है कि समाज में बराबरी होनी चाहिए। जब समाज में बराबरी होनी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, इसको लागू करने के लिए जो विचारधारा आई या जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, कैसे लागू करें या क्या करें, क्या लागू करें वो है सोशलिज्म, कैसे लागू करें, कौन सी गवर्नमेंट आई वो है कम्युनिज्म, और जो गवर्नमेंट है उसी को कहा जाएगा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और सबसे पहली ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो 1917 के अंदर रशिया के अंदर एस्टेब्लिश हुई, और रशिया के अंदर एस्टेब्लिश होके उसे कहा गया यूएसएसआर, शॉर्ट में सोवियत रशिया या सोवियत यूनियन। बात समझ में आ गई, क्योंकि सारे के सारे सोशलिस्ट कंट्रीज को इकट्ठा करके एक जगह बिठा दिया गया। यानी एक तरफ तो अमेरिका और उसके दोस्त थे, एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त थे, और दूसरी तरफ रशिया और उसके दोस्त थे। अमेरिका और उसके दोस्त, यहां अमेरिका और इसके जो दोस्त यहां पर, ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे के सारे जो थे वो कैपिटलिज्म के सपोर्टर्स थे, और इन्हीं कैपिटलिज्म के लोगों ने कम्युनिज्म को हराने के लिए बाद में नाटो बनाया और सब चीजें। और यही रशिया, इस रशिया के अंदर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इसके बाद जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कीस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और यहाँ तक कि क्या नाम है, और भी मालदोवा वगैरह जैसे बहुत सारे देश इनके साथ थे, और पूरे का पूरा ईस्टर्न यूरोप से लेकर सारे के सारे देश रशिया के इन्फ्लुएंस में थे और यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे। एक तरफ यूएस अमेरिकन ब्लॉक था, दूसरी तरफ यूएसएसआर का ब्लॉक था। सीरिया से लेकर, इराक से लेकर, एक टाइम पर ईरान से लेकर अफगानिस्तान के अंदर भी इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, इजिप्ट से लेकर, सऊदी अरेबिया से लेकर, ओमान से लेकर, यूएई, ट्यूनिशिया, लीबिया, अल्जीरिया से लेकर बहुत सारे देशों के अंदर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े तौर पर, बड़े और मजबूत तौर के ऊपर, यहां तक कि वेनेजुएला से लेकर क्यूबा तक सोवियत यूनियन डोमिनेट कर रहा था। और ये लोग 1945 के अप्रोक्सीमेट से लड़ना शुरू करते हैं और 1991 तक लगातार लड़ते हैं, और इसी पीरियड को कहा गया कोल्ड वॉर। मैं इसे एक लाइन के अंदर इसलिए खत्म कर रहा हूं दोस्तों, मैं इस सारे टॉपिक्स को एक लाइन में इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि देखिए अपना अपना एक सोच है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाएंगे तो फायदा नहीं है। सवाल यह है, इस कोल्ड वॉर का आउटकम क्या है? सबसे पहले तो जैसे ही चाइना ने सोवियत यूनियन का जिक्र किया, उसने उसके अंदर छुपे हुए शब्दों में, या छुपे, देखो असली इंसान वो नहीं है, ये ध्यान से देखो। नॉर्मली हम यूपीएससी के स्टूडेंट्स को देखते हैं, कई बार यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी देखते हैं, अब क्या करते हैं कुछ लोग, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, एक घंटे में ऐसे पढ़ोगे तो कभी पढ़ने का मन नहीं करे, मतलब मन करेगा, तड़प उठोगे पढ़ने के लिए। यार किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, मास्टर जो होगा, मास्टर शुड नॉट बी अ स्कॉलर, एक स्कॉलर मास्टर जल्दी से नहीं होना चाहिए, मास्टर होगा जिसे वर्डली अप्रोच ज्यादा होगी। तो 10 घंटे पढ़ने वाले का आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा, वो गलत सोच रहे हो। और बहुत से तुम्हारे को टॉपर्स कह रहे हैं 10-15 घंटे पढ़ते थे, झूठ बोल रहे हैं। मास्टर जो होना चाहिए, आप एक लीडर बनने जा रहे हैं, आप एक लीडर बनने जा रहे हैं, नेता, लीडर मींस लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए, एंड लीडरशिप क्वालिटीज नीड्स वर्डली अप्रोच, वर्डली नॉलेज, नॉट स्कॉलरिस्टिक नॉलेज, वर्डली नॉलेज होनी चाहिए।
इसलिए कभी भी आप देखो यूनिवर्सिटी टॉपर्स से लेकर खासकर बड़े से बड़े पीएचडीज भी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते और एक ग्यारह कई बार ग्यारहवीं या बारहवीं क्लास में फेल होने वाला लड़का भी यूपीएससी क्रैक कर जाता है। तो 10 घंटे पढ़ने वाला या पढ़ने के लिए तड़प उठने वाला टाइप का जो लड़का होगा वो यूपीएससी क्रैक जल्दी से नहीं करने वाला यार। वर्ल्डली अप्रोच चाहिए, सोचने समझने की क्षमता चाहिए, तभी आप देखोगे दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं जिन्होंने दुनिया बदल के रख दी उनमें से कोई भी बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं था। मैं इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानता हूं अकबर का। पढ़ना लिखना तक नहीं आता था उसे, पढ़ना लिखना तक नहीं आता था, लेकिन पूरे मुगल एम्पायर की नींव अगर किसी ने रखी तो अकबर ने रखी। और इन्हीं मुगलों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? औरंगजेब, फ्रस्ट्रेटेड इडियट। अगर मुगल साम्राज्य की नींव किसी ने हिला के रखी, पूरे मुगल साम्राज्य की हिंदुस्तान से जड़ें खोखली अगर किसी ने करी तो वो औरंगजेब था। अशोक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मुगल सल्तनत पीरियड के अंदर सल्तनत को एक्सपैंड करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, सबसे ज्यादा फेरोशियस अटैक्स को रोकने वाला मंगोलों के सबसे ज्यादा फेरोशियस अटैक्स को रोकने वाला अलाउद्दीन खिलजी, सल्तनत का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन स्कॉलर था? बिल्कुल नहीं था। उसके जस्ट कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, अल्टीमेट लेवल का एस्ट्रोलॉजर, थिंकर, सब चीजें उसके पास परफेक्ट। लेकिन हम उसे किस लिए याद करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को हम कभी भी इसलिए याद नहीं करते कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई बहुत बड़ा काम किया। मोहम्मद बिन तुगलक को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन था और उसके टाइम पर जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने कमाया वो गंवा दिया, और वो अपने फेल्योर्स की वजह से ज्यादा जाना जाता है, अपनी सक्सेसेस की वजह से कम, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से। इल प्रिपेयर्ड एफर्ट्स और इम्प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से वो ज्यादा जाना जाता है अलाउद्दीन को, मोहम्मद बिन तुगलक। तो लीडर जो है यूपीएससी के कैंडिडेट को 10-10, 15-15 घंटे पढ़ के आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको वर्डली अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है। किताब पढ़ो, एक पढ़ो, लेकिन ऐसी पढ़ो कि आपको किताब में लिखे हुए से ज्यादा समझ में आ जाए। इसलिए किसी भी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से जो ढंग से बात कर रहा होगा उससे पूछ कर देखिएगा कि किताब में लिखे हुए को पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो समझाना चाहता है उसे समझना, और उसे समझने के लिए आपको किताब के इन बिटवीन द लाइन्स को जानना ज्यादा जरूरी है कि वो कहना क्या चाह रहा है, ताकि आप चाइना के इस स्कॉलर, चाइना के इस राजदूत की इस स्टेटमेंट को समझ सकें कि वी आर नॉट सोवियत यूनियन। यूपीएससी यही चाहता है, इसलिए किसी भी को भी उठाकर आप देख लीजिएगा वो यूनिवर्सिटी टॉपर वगैरह नहीं निकलते जल्दी से। ऑन एन एवरेज जो लड़का होता है, जो कॉलेज से लेकर, स्कूल से लेकर कॉलेज तक ऑन एन एवरेज है, वो क्रॉस कर जाता है। इस अप्रोच को डेवलप करना जरूरी है, और जिस दिन आपकी ये अप्रोच डेवलप हो जाए यूपीएससी के अंदर, आई कैन गारंटी आपको सक्सेस मिल जाएगी। दुनिया भाई, सीधी सी बात है, आप मनमोहन सिंह रेजिम को किस लिए याद करते हैं? हम मनमोहन सिंह रेजिम को, जो खासकर प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में है, हम मनमोहन सिंह को, एक बार मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने संसद में जब ये सारा 2G, 3G, 2G वगैरह का स्पेक्ट्रम मामला आया और बीजेपी वाले शोर मचा रहे थे, मेरा नेता चोर, मतलब प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, उन्होंने कहा था इतिहास हमें याद रखेगा। मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट है कि इतिहास मुझे याद रखेगा, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन को इंडिया के लिए याद रखेगा। यहां सुषमा स्वराज मैडम ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन को भारत बिल्कुल याद रखेगा, आपने जो भारत को दिया, आपने जो भारत को के लिए किया, उतना शायद ही कोई प्रधानमंत्री आपसे पहले कर पाया या फिर आपके बाद कर पाएगा। आगे भारत जो भी बढ़ेगा वो आप ही के कुछ कदमों की वजह से बढ़ेगा, लेकिन नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर।
आप बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे, आपने जो रिफॉर्म्स किए वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं किए, आपने इकोनॉमिक एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर किए, जब आप इकोनॉमिस्ट के तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर बने और आपने सब कुछ चेंज करके रख दिया, उसके लिए इंडिया आपको हमेशा याद रखेगा। लेकिन क्योंकि इस समय आप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री एक मास्टर है जिसे आपकी शरण के अंदर आपके रहते इतने सारे घपले घोटाले और सब चीजें हो गई, तो इतिहास आपको इस चीज के लिए कभी माफ भी नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर एक मास्टर है, प्राइम मिनिस्टर एक मास्टर है, और उस मास्टर के दौर पे अगर आप देखें तो एक ऑन एन एवरेज पर्सनैलिटी कहीं ज्यादा नाम कमा के जा रही है कंपैरेटिवली एक स्कॉलर के। भाई सीधी सी बात है, सी राजा गोपालाचारी को जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने सी राजा गोपालाचारी जो अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब अच्छी अप्रोच रखते थे उनको अपना क्या नाम है आइडियोलॉजिकल सक्सेसर तो माना, पॉलिटिकल सक्सेसर नहीं माना, राजनीतिक सक्सेसर नहीं माना महात्मा गांधी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीतिक सक्सेसर इसलिए नहीं माना क्योंकि यार सीधी सी बात यह है, जवाहरलाल नेहरू को डिक्लेयर किया कि मेरी राजनीति जो भी आगे चलेगी वो जवाहरलाल नेहरू संभालेंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू के बारे में रिकॉर्ड उठाकर देख लो, वो कहीं किसी भी स्कूल के अंदर कहीं टॉप करते हुए नजर नहीं आएंगे। ऑन एन एवरेज बढ़िया थे लेकिन वर्ल्डली अप्रोच बहुत अच्छी थी, दुनियादारी की अप्रोच बहुत अच्छी थी। और आज जो भारत का जो भी अच्छा काम हो रखा है उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू की रखी हुई है। यस, मोरारजी देसाई आईएएस रिटायर्ड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे लोग उनसे, मोरारजी देसाई आईएएस आईसीएस ऑफिसर रिटायर्ड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। इंदिरा गांधी ऑन एन एवरेज ठीक थी, लोग बड़े खुश भी थे उनसे। आई के गुजराल आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड थे, ब्यूरोक्रेट थे, कहां थे संतुष्ट लोग उनसे। तो असलियत में जिसका काम उसी को साजे और कहे तो फूड़ बाजे वाली सिचुएशन है। एक स्कॉलर का काम, जैसे हिस्ट्री का स्कॉलर है उसके पास इंफॉर्मेशन जबरदस्त होगी, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर है वो अप्रोच जबरदस्त रखेंगे, लेकिन क्या वो एडमिनिस्टर कर पाएंगे और क्या इन सारी सिचुएशंस को संभाल कर समझ कर एक एक स्टेटमेंट को समझ कर अपनी पॉलिसी डिसाइड कर पाएंगे, आंसर है नहीं। यहां एक फॉरेन सर्विसेज वाले बंदे की प्रैक्टिस होती है क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज को इतना अच्छा जानता है और जुगाड़बाज होता है। फ्लर्ट, डिप्लोमेसी इज अ फ्लर्ट, फॉरेन पॉलिसी इज एन एफर्ट टू सेव योर इंटरेस्ट एंड टू रिमेन इन अ गेम। फॉरेन पॉलिसी क्या है? अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना और गेम में बने रहना। यस, और वहीं अगर दूसरी तरफ आप लोग देखते हैं तो दूसरी तरफ जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, वो क्या है? राजनयन जिसे आप कहते हैं, वो कुछ नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लर्ट। दूसरे देश से ऐसा महसूस करवाना कि उसके फायदे की बात हो रही है और उससे अपना काम निकलवा लेना, फ्लर्टिंग। अब फ्लर्ट करना तो एक स्कॉलर के बस की तो बात है नहीं जब तक कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल पर्सनैलिटी ना हो, जब तक कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल पर्सनैलिटी ना हो। तो यहां समझिए एक स्कॉलर की तरह कि जब कोल्ड वॉर की बात यहां पर की जा रही है, जब यहां पर कोल्ड वॉर की बात की जा रही है तो हुआ क्या था? हुआ यह था कि अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत यूनियन अप्रॉक्सीमेट 45 ईयर्स तक खूब जबरदस्त लड़े, लेकिन उसका आउटकम क्या था? आउटकम यह था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और यूएसएसआर जो है वो 15 टुकड़ों में टूट गया। चाइना इसी का रेफरेंस ले रहा है। क्या कह रहा है चाइना? चाइना खुलकर ये कह रहा है अमेरिका को कि आप जो पॉलिसी चल रहे हैं, आप जो राजनीति चल रहे हैं, आप जो कूटनीति खेल रहे हैं, आप जो चाल चल रहे हैं, वो हम सब समझ रहे हैं। आपने जो यूएसएसआर के साथ किया, या आपने अगर जो यूएसएसआर के साथ कोल्ड वॉर के बाद हुआ, वो हमारे साथ नहीं होगा।
इसका मतलब यह है कि कोल्ड वॉर के बाद जो यूएसएसआर के साथ हुआ वो ऐसा मत समझो हमारे साथ होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हम उस तरीके की आपकी चालबाजियों को खुल के समझते हैं, हम आपकी चालबाजियों को खुल के समझते हैं, और जो जो यूएसएसआर, और सबसे बड़ी बात वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि यूएसएसआर को का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर का अगर डिसइंटीग्रेशन हुआ और इस डिसइंटीग्रेशन के लिए अगर अमेरिका को लगता है कि ये जो डिसइंटीग्रेशन है वो कहीं ना कहीं, अगर अमेरिका को लगता है कि ये डिसइंटीग्रेशन यूएसए ने करवाया, तो चाइना ये कहता है कि ये यूएसए की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। असलियत में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन उसके इंटरनल जो प्रॉब्लम्स थी या कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनकी वजह से हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुआ। चाइना मैसेज दे रहा है, और दूसरा मैसेज अमेरिका को ये दे रहा है कि आप हमें कमजोर ना समझे, और जो आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं चाइना को के अगेंस्ट, और जो चाल चल रहे हैं चाइना को अफगानिस्तान में फंसाने की, चाइना उस चाल में नहीं फंसेगा, हम दूर रहेंगे, हम बच के निकल के दिखाएंगे। ये चीज चाइना कह रहा है, ये चीज चाइना खुला मैसेज दे रहा है अमेरिका को। अब सवाल यहां पर यही है कि जो फॉरेन सर्विसेज वाला बंदा है वो इसे कैसे देखेगा, वो इसे खुले तौर पर देखेगा कि इंडिया कहां खड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में लड़ते रहे, यहां पर नाच देखे जाएंगे, यहां पर एक चाल देखी जाएगी इंडिया के बारे, मतलब अमेरिका की और चाइना की। इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लिया, और इस स्टेटमेंट का मतलब खुले तौर पर यह है कि चाइना जो है कहीं ना कहीं परेशान। अच्छा, इसका एक छुपा हुआ पार्ट क्या है, जब आप सामने वाले को धमकी दे रहे होते हैं ना, सामने वाले को धमकी दे रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है उस धमकी के अंदर एक छोटा सा डर भी छिपा हुआ होता है। और भाई सीधी सी बात यह है, ऐसा होता है, नॉर्मली होता है। यह असलियत में चाइना के एक अजीब से डर को दिखा रहा है कि चाइना जो अमेरिका जो चाल चल के गया वो यहां पास होती हुई नजर आ रही है, उसका असर चाइना पे होता हुआ नजर आ रहा है। और यह चीज मैंने पिछले किसी वीडियो में डिस्कस करी थी, यार देखो मेरे पास इतना स्टाफ नहीं है और ना मैं इतना कैपेबल कि पिछली अपनी वीडियो ढूंढ के दिखाऊं कि सर ये देखो मैंने यहां कहा था, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस लेनी होती है, एक वीडियो दो वीडियो जो भी बनानी है बनाने की कोशिश करा करेंगे। अब आप समझिए, असलियत में मैंने एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर असलियत में चाइना से लेकर रशिया, पाकिस्तान से लेकर सभी कंट्रीज को, रशिया और पाकिस्तान सभी कंट्रीज को फंसा कर चला गया। मैंने कहा था, आप जाके पीछे वीडियोस के अंदर ढूंढ कर देखिए, कि अमेरिका ने इस चाल से सारे पड़ोसियों को पस्त कर दिया। जब अमेरिका इस चाल के अंदर फंसा के गया तो चाइना को अब तालिबान वाली हीट सामने नजर आ रही है कि हां भाई ये जो हीट है ये है, और क्योंकि ये हीट है और उससे चाइना फंसा हुआ नजर आ रहा है, और चाइना पूरा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कॉपरेट करके तालिबान के साथ अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, तो आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि यहां चाइना की एक इरिटेशन नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इरिटेशन साफ क्यों, और मैं यही तो कह रहा हूं, एक फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर अपने क्लासरूम के, अपने क्लासरूम तो मेरी आदत है, अपने ऑफिस में बैठ के क्या सोच रहा होगा, उसे चाइना के इस बयान में एक इरिटेशन नजर आनी चाहिए चाइना की, कि चाइना को इस समय पर तालिबान से डील करने में कुछ डर, कुछ प्रॉब्लम्स महसूस होनी शुरू हो चुकी हैं, और अमेरिका क्योंकि यहां से निकला है तो उसे और टेंशन्स क्रिएट होनी शुरू हो चुकी हैं, इसलिए चाइना इरिटेटेड है, और इरिटेटेड है और अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उनसे किलस रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कमला हैरिस,
कमला हैरिस पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों के अंदर एक विजिट करके गई हैं और मीडिया ने उसे बहुत ज्यादा कवर किया भी नहीं, लोगों ने डिस्कस भी नहीं किया, इवन नहीं हो पाया, और क्योंकि उसका आउटकम भी ज्यादा नहीं था। लेकिन अमेरिका की चाल साफ नजर आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर ध्यान है और अमेरिका यहां पर कंसंट्रेट कर रहा है। चाइना इस चीज को अच्छे से देख रहा है, लेकिन चाइना अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है कि पिछले काफी टाइम से साउथ चाइना सी के अंदर से चाइना से रिलेटेड कोई भी न्यूज निकलकर नहीं आई है। और अगर कोई भी न्यूज निकलकर नहीं आई है तो आप अंदाजा लगाकर यहां पर देख सकते हैं, कोई भी न्यूज निकलकर नहीं आई है तो अंदाजा, और अमेरिका यहां लगातार चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका की वो चाल कामयाब है और चाइना फील कर रहा है कि वो इधर अब नहीं बढ़ पा रहा है। जापान, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया एक और खबर जो लोगों को समझ में नहीं आई या लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो जो एक मून, शायद उनका पूरा नाम मैं ध्यान से उतरा हुआ है, मून जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पर, वो जो चाइना के सपोर्ट में थे और कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में आते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने अब जापान से पींगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और यहां से फिलीपींस से लेकर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अमेरिका अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, ताइवान अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, और खास बात यह चाइना इस एरिया में अब कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि वो यहां फंसा हुआ है। अब ऐसे में करना आप चाहते हो ताइवान पे कब्जा, फंसे हुए हो आप तालिबान के साथ, अमेरिका जब तक यहां था अमेरिका तालिबान को भी मार रहा था, अलकायदा को भी मार रहा था, आईएसकेपी को भी मार रहा था, और उसके बाद जो भी ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाले जितने भी हैं सारे टेररिस्टों को मार रहा था पकड़ के। अब अमेरिका यहां से निकल चुका है, चाइना की टेंशन बढ़ चुकी है, चाइना इधर कंसंट्रेट कर रहा है, अमेरिका यहां अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। तो इस बयान में क्या नजर आया, चाइना की इरिटेशन। इरिटेट कब होते हो, जब आप जो चाहते हो वो हो नहीं पा रहा और अंदर एक डर, छोटा सा डर बैठ चुका है, इसलिए आप सामने वाले को धमकी दे रहे हो कि बेटा ये मत सोचियो कि हम वो हैं, हम तुम्हें बता देंगे। भले ही ताकतवर है लेकिन अंदर जहां जो समस्या थी उस समस्या को यहां पहचानने में मदद मिलेगी। अब आप क्या कहोगे, यहां पर इंडिया को फायदा क्या? अब इंडिया को फायदा यह कि इस समय पर चाइना को आपने देख लिया, इस समय पर चाइना के इस बयान से आपने थोड़ा सा चाइना की इरिटेशन का अंदाजा लगा लिया। अब जैसे ही चाइना की इरिटेशन का अंदाजा लगाया कि हां चाइना इरिटेट है इस टाइम पर, तो अब आप यहां पर अपनी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप इस टाइम पर चाइना के साथ अक्साई चीन के अंदर उलझे हुए हैं और चाइना आपके ऊपर एलओसी के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर जो गेम चल रही है, जो कि मैं आज के पूरे न्यूज़पेपर्स में ढूंढ चुका हूं, श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी लग गई और किसी न्यूज़पेपर ने डिस्कस ही नहीं किया इंपॉर्टेंट तरीके से। सोचकर देखिए, श्रीलंका के अंदर चाइना का फुट होल्ड मजबूत है और वहां इमरजेंसी लग रही है, तो इंडिया वाला जो भी फॉरेन ऑफिस होगा वो क्या करेगा, चाइना को नेपाल के अंदर गेम खेलते हुए देखेगा, म्यांमार में गेम खेलते हुए देखेगा, चाइना की डिप्लोमेसी को म्यांमार के मलक्का स्ट्रेट में देखेगा, श्रीलंका में देखेगा, और इस बयान की इरिटेशन को देखते हुए डिसीजन लेगा कि चाइना कहां फंसा हुआ है यहां। तो बहुत मुश्किल इंपॉर्टेंट बात है, आप यहां चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करोगे, और उससे ज्यादा बड़ी बात, क्योंकि चाइना अफगानिस्तान में फंसा हुआ है और सिग्नल मिल गया है, फॉरेन ऑफिस अब कोशिश क्या करेगा, भाई मेरे जैसा बंदा तो कोशिश यही करेगा, मैं फॉरेन ऑफिस में नहीं हूं लेकिन मुझे अपने विदेश मंत्री के ऊपर पूरा भरोसा, और यकीन मानिए मैं उनकी इस डिप्लोमेसी का फैन हूं। आप लोग कहेंगे इंडिया जो अफगानिस्तान में फेल हो गया, कहीं नहीं फेल हुआ, उनकी जो गोटियां खुल खुल के आ रही हैं गजब, क्यों तालिबान तुमसे बात करने को दौड़ रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब आप जो श्रीलंका के अंदर इस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट बैकफुट पे थी, अभी तक श्रीलंका के अंदर इंडियन गवर्नमेंट बड़े तगड़े तरीके से बैकफुट पर थी और अमेरिका ने पूरा राजपक्सा परिवार को सरकार में बिठा दिया, एक सरकार में 5 राजपक्सा मंत्री हैं,
महिंद्रा राजपक्सा से लेकर बड़े भाई जो है उनके, वो तो राष्ट्रपति हैं, महिंद्रा राजपक्सा खुद प्रधानमंत्री हैं, स्पीकर भी एक राजपक्सा है और दो मंत्री और, यानी पांच मिनिस्टर्स सरकार के अंदर बैठे हुए हैं और एक पूरी की पूरी मोनार्की। अब वो कह रहे हैं इमरजेंसी, यानी यहां पर इंडिया को अब ध्यान देने की जरूरत है। तो फॉरेन सर्विसेज वाला बंदा अपने इस एंड को, ऑफिसर अपने इस एंड को मजबूत करने की सोचेगा, यहां ध्यान देगा। आप खुद अपने आप को वहां सोच रख के देखिए और सब चीजों का एनालिसिस करना शुरू करेंगे, फिर देखना आपको आंसर राइटिंग में कितना मजा आएगा। यह चीज सिर्फ और सिर्फ, मजे की बात पता क्या है, यह चीज यूपीएससी में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं है, जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो अलग अलग डायमेंशन समझाई जाती हैं। अरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देते हैं यार, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लीजिए, पूरा इंडिया पढ़ते हैं। सोचकर देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंडिया पढ़ाते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंडिया पढ़ाते हैं, जर्मन यूनिफिकेशन से इंडिया, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ साथ इंडिया चलता है। ये कनेक्शन होता है चीजों का। जब तक आप ये कनेक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीजों को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक यूपीएससी के बारे में जितना मर्जी मोटिवेशन ले लो, जितना मर्जी तड़प उठोगे पढ़ने के लिए टाइप के वीडियो देख लो, दिमाग तेज करने की तरकीबें देख लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सब बकवास है। ढंग की चीजों को देखें, ढंग के कंटेंट को उठा के देखें, सिलेक्शन की तरफ बढ़ें। और पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए वीडियो देख के पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, मेडिटेशन और सोच के पर्सनैलिटी डेवलप होती है। स्पीक लेस लिसन मोर, रीड लेस थिंक मोर। पढ़ो कम भले ही, ज्यादा सोचो। ये चीजें सोचो ना यार, कनेक्ट करो एक दूसरे से। क्लास के अंदर यही तो चीजें सिखाई जाती हैं, वरना तो मोटिवेशन, यार मोटिवेशन कितना, यार पानी को कितनी मर्जी कोशिश कर लोगे पानी में आग लग जाए, नहीं लगेगी। अगर आपके अंदर आग जलने के लिए नहीं है, आप खुद के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप उस तपस्या की आग में जलो, तो दुनिया का कोई भी बंदा आपको मोटिवेट की पंपिंग करता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ो और इस तरीके सोचो, डायमेंशंस को कनेक्ट करने की कोशिश करो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप होते तो आप क्या करते, फिर डिस्कस करेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसके साथ साथ आप कनेक्ट हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। धन्यवाद।